जैन दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम 5 से 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जिन्हें आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ के अपना एक रजिस्टर बनाए अलग से, और उस रजिस्टर के अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए रजिस्टर में नोट किया 5 से 6 पॉइंट्स है। पहला अपना पॉइंट है भाई, 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस। जैसे दो कंट्री होती है, उनके बीच में अगर कोई नेवी की एक्सरसाइज होती है तो उसको हम बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इंडिया और फ्रांस के बीच में 30 मार्च से और 3 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है? ये हुई है अरेबियन सी के अंदर। अब इसके अंदर मेन बात जो है कि ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या होता है? दोस्तों उसका नाम होता है वरुणा। अब इस दो लाइन के क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए कि भाई इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है वरुणा। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, वरुणा कौन सी नेवल एक्सरसाइज है जो किन दो कंट्रियों के बीच में होती है? इंडिया और दूसरी कंट्री बता देंगे भाई कौन सी है, उसमें ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा कि फ्रांस होती है। अपना दूसरा पॉइंट है फास्टर। फास्टर क्या है? FASTER। फास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है, इसे लॉन्च किया है हमारे CJI ने। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे NV रमन्ना। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ताकि जो कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं ना, वो सिक्योरली और क्विकली इधर उधर ट्रांसफ़र किए जा सके। जैसे ट्रांसमिट करने हो तो ये जल्दी से जल्दी सिक्योर मोड के थ्रू आप इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। दोस्तों अपना तीसरा पॉइंट है, 1 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? हम मनाते हैं 1 अप्रैल को ओडिशा डे, या जिसे हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, ओडिशा की अभी स्पेलिंग है ODISHA, जो कि पहले हुआ करती थी ORISSA। अपना चौथा पॉइंट है कि भाई जम्मू कश्मीर के LG कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? वो है हमारे मनोज सिन्हा, और इन्होंने अभी करंटली FDI को मंजूरी दी है JNK में 51% स्टेक के साथ। दोस्तों करंट GK के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स इनके हेड कौन है, चीफ कौन है। अगर आर्मी की बात की जाए तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, और इनसे पहले वाले का भी ध्यान रखें, वो थे पहले हमारे जनरल बिपिन रावत। अगर चीफ ऑफ नेवी की बात की जाए कि हमारे नेवी के चीफ कौन है, आज की डेट में वो है हमारे रविचंद्रन हरी कुमार, और इनसे पहले की बात की जाए तो वो थे एडमिरल करमबीर सिंह। भाई अगर एयरफोर्स के चीफ की बात की जाए तो वो है हमारे विवेक राम चौधरी, VR चौधरी, और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे RKS भदौड़िया, वो थे। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है हमारा कि भाई कौन सी कंट्री के अंदर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी लगी हुई है? तो वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ अभी इमरजेंसी चल रही है। तो भाई ये थे पिछले 2-3 दिन के करंट अफेयर्स के जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आपको क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आपको ये कि करंट GK के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है उस रजिस्टर के अंदर नोट कीजिए, और हर हफ्ते क्या करना आपको वो करंट GK आपको रिवाइज करते रहना है। जो आप नोट्स बना रहे हैं डेली के ये आपको रिवाइज करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको मंथली मैगजीन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर, मिलेंगे अगली वीडियो में, बढ़िया बढ़िया और पॉइंट्स छांट के लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।